संत शिरोमणि श्री रविदास जी मंदिर निर्माण के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में संत रविदास जी की समरसता यात्रा का आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया। पूरे प्रदेश में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते बागली विधानसभा में भी यह यात्रा प्रवेश करेगी। इसी को लेकर शुक्रवार के दिन बागली के चापड़ा में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। क्षेत्र वाइज यात्रा के स्वागत की जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी गई है। 6 अगस्त को यात्रा बागली विधानसभा में प्रवेश करेगी। इस दौरान चापड़ा में यात्रा 12 बजे पहुंचेगी, जहां भव्य स्वागत किया जाएगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के निर्माण का जो 12 तारीख को भूमि पूजन होता है होना है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, और उसके संदर्भ में 25 जुलाई से लेकर के और 12 तारीख तक के लिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक यात्रा निकल रही है समरसता के नाम से, जन जागरण यात्रा समरसता को लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी के पादुकाओं की उसमें पूजन होना है। और मध्य प्रदेश के समस्त नदियों का जल एवं समस्त गांवों की मिट्टी को वहां तक पहुंचाना है। और हमारे यहां भी जो है दिनांक 6 को 11 बजे से बागली विधानसभा में उस यात्रा का प्रवेश होगा, और यहां से चापड़ा से होते हुए बड़ी कमलापुर और बिजवार से होते हुए लोहारदा काटापुर और सतवास में संवाद का कार्यक्रम है। उसकी तैयारी को लेकर के आज की ये जो बैठक है हम सब लोगों ने यहाँ रखी थी, और सार्थक चर्चा करके और इस कार्यक्रम को भव्यतम रूप प्रदान करने के लिए हम सब लोगों ने चर्चा करी है, और इसकी यात्रा को भव्यता की ओर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।